नमस्कार दोस्तों, आप हैं चैनल ग्रीन गार्डन पर और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिबिस्किस यानि के गुलहड़ के बारे में। तो दोस्तों, गुलहड़ जो है हर सीजन में फूल देने वाला पौधा है। आज हम आपको इसे कटिंग से ग्रो करना बताएंगे। इसे कटिंग से ग्रो करना दोस्तों बहुत ही आसान और सरल है। बरसात के सीज़न में दोस्तों इसे बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो है बरसात का सीज़न चल रहा है, तो आज मैं आपको इसे कटिंग से ग्रो करना बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं वीडियो की शुरुआत की देता हूं। तो दोस्तों, मैंने एक हिबिस्किस यानि के गुलहड़ की कटिंग ले ली है। ये देखिए, सामने आप देख ही पा रहे हैं, इस पर जो दोस्तों पत्तियां आई हुई हैं उन सभी को आपको अच्छे से कट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, जिस पर जो पत्ती हैं उन सभी को मैं कट की देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, ग्लैंड की कटिंग पर जो जितनी भी पत्तियां थी मैंने सभी को हटा दिया है। अब दोस्तों, इसके हम कर लेंगे दो पीस, दो इसकी कटिंग बना लेनी है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई कटिंग का कट करें तो दोस्तों उसे 45 डिग्री के एंगल से कट कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने दो कटिंग ले ली हैं हिबिस्किस की। तो दोस्तों, इस बोतल में मैंने मिट्टी पहले से ही भरी हुई है। इसमें दोस्तों मैंने गार्डन सोइल 70% ली हुई है और कंपोस्ट यानी कि गोबर खाद 30%। तो दोस्तों, अब आपको ये लेनी है एक लकड़ी। लकड़ी की सहायता से इसमें दो आप होल बना लीजिए इस तरह से। तो दोस्तों, मैंने दो होल बना लिए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आई हुई हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर दोस्तों, आपको ले लेनी है हिबिस्किस की कटिंग और उसे इस तरह से इसमें लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों, इसे अच्छी तरह से मिट्टी को दबा दीजिए। तो दोस्तों, इसे अच्छी तरह से मैं मिट्टी को दबा देता हूँ। तो दोस्तों, अब इसमें कर देते हैं हम वाटरिंग। वाटरिंग दोस्तों भरपूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर अपडेट के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों, ये 48 दिन बाद का अपडेट है। जो हमने हिबिस्किस की कटिंग लगाई थी वो दोस्तों अच्छे से ग्रो हो गई है और दोस्तों बहुत सारी पत्तियां भी निकल आई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।